सो गाइस फाइनली हम नहा चुके हैं और अब हम होंगे रेडी, मतलब मुझे थोड़ा सा मेकअप करना है, उसको भी थोड़ा सा मेकअप करना है ना मेरे जान। हाँ मेरा भाई। तो थोड़ी ही देर बाद हम सारे रेडी हो जाते हैं और कर लेते हैं अपना उबर ऑटो बुक और जल्दी जल्दी जाते हैं ऑटो बैठकर रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमेशा की तरह हम पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे तो जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा हमें। हमें कैब नहीं मिल रही थी गाइस, तो हमें फाइनली ऑटो करना पड़ेगा क्योंकि कैब में आती नहीं हमारी वाली, ये वाली अटैची, तो इसलिए हमने ऑटो करा है। ऑटो में हमारा सारा सामान आ गया, अटैची भी आ गई, सारा सामान भी आ गया और ये मेरा हैंड बैग, इसमें मेरी सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। अभी हम मयंक का वेट कर रहे हैं, जल्दी से आएगा तो हम जल्दी से जाएँ। मयंक आ ही नहीं रहे, वो इतनी ज़्यादा लेट कर रहा है ना, जल्दी आए तो जल्दी जल्दी निकलेंगे। ये मेरा हैंड बैग, इसमें मेरी सारी ज़रूरत की चीज़ें, मेरा चश्मे का ये केस, लेंसेज, सारा स्किन केयर जो हमारा ज़रूरी होता है, टूथपेस्ट वगैरह सब कुछ, सब कुछ तो इसमें डाल लिया मैंने ताकि हमें कुछ परेशानी ना हो। चलो गाइस आ गया मयंक भी, चलते हैं। पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तब तक हम क्या करेंगे, सो जाते हैं तब तक, फिर जब थोड़ा पहुंचने वाले होंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि हाँ हम पहुंचने वाले हैं, तब तक के लिए मैं सो रही हूँ। गुड नाइट। One eternity later. सब पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन पर, मामी वगैरह का सबका वेट कर रहे हैं, सब आएंगे तो हम अपने ट्रेन पकड़ेंगे। ये मच्छर यहाँ बैठ के खाना खा रहा है, ये मम्मी इसको खाना दे रही है। मम्मी 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 तो स्माइल ही देती है। ये ले माइक, भाई को ले लिया पूरे ब्लॉग में। गाइस मेरे भाई से सब्सक्राइब करो। हमारी एक विंडो सीट है, एक विंडो सीट है, ये मम्मी की सीट है, बाकी हमारी मामी वगैरह आगे बैठेंगे। ओके ओके, भाई को तो ले, विंडो सीट ही चाहिए, भाई को तो ले, भाई को ले लिया। नहीं घोरा लग रहा है ये माइक, बहुत सेक्सी फोटो आएगी। ये पोज दे माइक, ये दोबारा, ये दोबारा पंप कर, पंप कर। बट स्टिल अपने टिकट ले। टीटी जी आए, टीटी जी। तो गाइस हमें अब हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो हम लाए थे छोले चावल, भरवा भिंडी और पनीर की सब्जी और पूड़ी, तो अब हम खाने वाले हैं, तो हमारे साथ खाओगे क्या? चावल एंड छोले। लंगर और लंगर 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 दे रही है मम्मी, पकड़ लीजिए ना इसे। ऐसे कैसे चल रही है तू, कैसे बने बिन प्याज के, विदाउट अनियन है? अपन को अभी अनियन नहीं खाना ना लहसुन खोल दिया तेरा, पहले तू भी आ जा खिला। टिकट ले ली, पार्टी वाला भी गुस्सा हुआ, मॉम मामा श्री मयंक मामा जी हमारे साथ नहीं जा रहे हैं कि मामा जी को काम है। मामी जी ये सबसे लेट वाली है, सबसे लेट वाली आंटी है। तब मैं जा रही हूँ ऊपर सोने, ऊपर सीट पर आओ, चढ़ जाना पूरी, चढ़ जा। आ गई थी इस पे भाई, आप लंबे हो ना भाई, भाई के सर पे भी लग जाएगी। भाई अब भी टाट नहीं आ रही, भाई आ गया वालू।
एक बार गाइस तुम भीड़ चेक कर लो कितनी ज्यादा भीड़ है। तो भरे हुए हैं, इस साइड भी सेम है। हे गाइस, मैं हाय करो, जल्दी हाय करो। सूत्रों के अनुसार हमें पता लगा कि हम रात के 3 बजे पहुंचेंगे बिहार, तो तब तक के लिए हम सो ही सकते हैं या फोन चला सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि इस ट्रेन में अभी मेरी लाइफ बहुत झंड हो चुकी है। तो मैं आपको मिलती हूँ सीधा बिहार पहुँचने के बाद। So hey guys, we are finally in Bihar. Yeah, यहाँ पर हमारे सारे घर वाले आ चुके हैं। अभी हम अपने रूम्स ढूंढ रहे हैं, हमें कहाँ स्टे करना है। उई! और मेरे पास ये मेरी मामा जी का लगेज है, मैं इनके पास ब्लू वाला लगेज है। माइक तो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। दूर भी इधर आ जाओ, गोरे लगोगे तुम। आई व्हाट अ सूट। हमारी पंजाबी धर्मशाला ये। हमने छोटी लोगों को ढूंढना है। बाकी दूर भाई, आप तो पहले आ रखे हैं बिहार, अपना बताइए कहाँ मिलेगा। आ गए हम लोग अपने होटल प्लस धर्मशाला। आ रहा हमारा व्यू। गाइस चेक द व्यू, व्यू चेक करो, इसको देख ले। फुटेज चाहिए क्या तेरे को? फुटेज ही दे, इसके दांत ज़ूम कर। पहले थोड़े दांत खराब हो गए, फोटो भी ढंग की नहीं आ रही है। हंस भी नहीं मारा लगा खुल के। कोई बात नहीं, जरूर होता रहता है। ऐसे मैं इनकी फैन है। इधर आ बेटी, इधर आ, जल्दी इधर आ, इधर आ, हेलो करो भैया को। हाँ, मैं मम्मी को कह रही थी, मैंने भैया को नहीं देखा है। गाइस फाइनली पूजा स्टार्ट हो गई है, ये मेरा भाई जा रहा है। मैं तो क्या लेने आया है। गाइस देख रहे हो कितने काले लग रहे हैं आज हमने व्हाइट कपड़े पहने हैं, तो दिख रहा है, दिख रहा है ना, और ज्यादा काले लग रहे हैं कि व्हाइट पहना है। वैसे आप काले हैं, आप ही काले हो। और प्रातः श्री आप कैसे हो? मुझे भी नहीं देख रहा, थोड़ा थोड़ा देख रहा है। मयंक क्या कसम कर रहे हैं तुम? इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, इतनी ज्यादा, और हमें पता कितने किलोमीटर चलना है? 4 किलोमीटर। कब जाएंगे यार? लगातार 1 घंटे चलने के बाद हम अपने पूजा के स्थान पर पहुंच तो जाते हैं, पर अभी हमें ये नहीं पता कि पूजा में कितना टाइम लगना है। मैंने सोचा चलो 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा, बट नहीं, यहाँ पर अनगिनत टाइम लगता है, और टाइम के साथ मेरी भूख भी और तेजी से बढ़ने लगती है। थाली में जल का गिराना माता जी। हमें सुबह के 4 बजे से लेकर शाम के 3-4 बजे तक भूखा रहना होता है, तो मैंने सोचा कहीं मैं चक्कर खा के ना गिर जाऊं, इसलिए मैंने एक एप्पल खरीदा और खाया आराम से, क्योंकि इसके बाद हमें 3 और मंदिर के दर्शन करने थे। मैं 16 पिंडलियां चिपकानी है और बाकी बच्ची भी रखनी है। मैं चल, कितने होगी? 4, 5, 6, 7, 8 हो गई गाइस। 9, 10, 10। Thank you.
मानू तू क्या कर रही है? रोटी बना रही हूँ। तो रोटी बना रही है? दक्षिणा दक्षिणा और चल देशांतर्गत मगध क्षेत्र मगध नगर गया गदाधर पुण्य क्षेत्र कोलाहल चढ़ाने चढ़ो पंडित जी मुझे आशीर्वाद हो जाएंगे आराम से। अब चलाएंगे चलो चलो जय श्री। अरे पश्चिम बिहार मेट्रो फिटना है। अब हम जा रहे हैं धर्मशाला में, मिलते हैं आपसे धर्मशाला। ले गाइस हम खाना खाने के बाद घूम रहे हैं। चल कहाँ जा रही है? गलत जा रही है। और दूर भाई और भैया चल फोन ले जा, इससे पहले कुछ बोल लेती हूँ। आपको बताना भूल गए कि हमने खाने में क्या खाया। खाने में अपन लंगर में बना था दाल चावल रोटी खीर। ये बहुत ज़्यादा अहमियत हमने खा ली क्योंकि मैंने शूट इसलिए नहीं कर पाई, ये वाला फ़ोन जिसमें शूट करी ये वाला फ़ोन मम्मी के पास था, दैट्स व्हाई मुझे पता नहीं था मेरी मम्मी कहाँ पर है। और तैयारी कर रहे हम सोने की क्योंकि हमें सुबह कितने बजे उठना है? चार चार चला जा बेटे ऐथे आओ इधर आ ऐथे आ ऐथे जल्दी बुआ दे कोला बुआ दे कोला बच्चे रुला रही है।